बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सबसे पहले मीडिया के ज़रिए तमाम हैदराबाद की आवाम के लिए और मलकपेट की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि आज हैदराबाद की आवाम, खासकर मलकपेट की आवाम, ये बता दी है कि किस तरीके से आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को चाहते हैं दिल की गहराइयों से। आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब से की एक झलक देखने के लिए सरों का समंदर उमड़ा। ये साफ जाहिर होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरक्की से आज मुखालिफीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। किस तरीके से आज यही बता दिए, खासकर हैदराबाद में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा लोची। आज हमारा वहाँ से इनॉग्रेशनों का एक प्रोग्राम था जिसको हम पीसफुली वहाँ से जा रहे थे, मगर एक इंतशार देख रहे हैं कि मजलिस की कामयाबी आए दिन न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान में आज मजलिस अपना परचम लहरा रही है, तो इससे मुखालिफीन घबरा चुके हैं और इनको और कुछ नहीं है, सिर्फ यही काम रह गया है कि तनकीद करना। ऐसे इनॉग्रेशन में हम मसरूफ़ थे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब वहाँ से हबीबे मिल्लत वहाँ से अपने मौल साहब की मस्जिद का इनॉग्रेशन करके वहाँ से मूव हो गए थे। उसके बाद और दो इनॉग्रेशन थे एमएलए साहब जनाब अहमद बलाला साहब ऐसे के साथ, हम लोग ऐसे इनॉग्रेशन में मसरूफ़ थे, तभी हमको फ़ोन आए कि यहाँ पर ऐसे एमबीटी वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और कुछ बैनर्स को फाड़ रहे हैं। तो तभी ऐसे मैं और एक दो चार जिसमें हमारे मेरे साथी वजीउद्दीन सलमान ऐसे मेरे साथ थे, वहाँ पर आकर हम ऐसे सी आई साहब से भी बात कर रहे थे, एसीपी साहब भी थे वहाँ पर, काफ़ी पुलिस हमारा बहुत कोऑपरेट करी, लाइन ऑर्डर ऐसे ख़राब होने से रोकी। और उस सिलसिले में ऐसे आपको ऐसे बीच में से ऐसे चंद जने ये बोल रहे हैं कि हम तेरे को देख लेंगे, तेरे को फलां कर देंगे। इससे पहले भी ऐसे वजी सलमान को जो है इस तरीके के वाक़यात हुए हैं, गुज़िश्ता एक दो महीने पहले भी ऐसे इसी तरीके से वार्निंग दिए कि हम तेरे को देख लेंगे। तो अभी आए हम सलमान के साथ, हम आए यहाँ पर आकर कंप्लेन दिए हैं, अभी सीआई साहब ऐसे कंप्लेन लिए हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट भी है। खाली दूर से बता रहे एक वर्कर है जिसको ऐसे हमारा एक जो वर्कर है जिसको ऐसे चोट आई उसे। देखिए सुनिए, बात ऐसी होती है भाई, चलो हम आपको कुछ करें या हम आपको कुछ छेड़े, यहाँ वहाँ से पीसफुल मूड में लोग इंजॉय कर लेते हुए अपने खायब की एक झलक देखने के वास्ते उमड़ रहे हैं। किसका ने टाइम है भाई आपको देखने के लिए? कौन देख रहा आपको? आज कोई भी आपको नहीं देख रहा। आज हमारे आवाम जो है अपने खायद को एक नज़र देखने के वास्ते मसरूफ़ थी उनके पीछे, ना हम किसी को बुलाए, ना कोई ये रैली थी, सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए बदनाम करने की बात कर रहे हैं। तो आज हैदराबाद के दिलों में, हैदराबाद की आवाम के दिलों में राज कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उन बेखूफ़ों को, उन नादानों को ये नहीं मालूम, वो ना उनकी इज्जत ना ख़ानदान में है ना घर में है, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कदम को रोकना चाहते हैं। तो मैं उन नाकाम अजायम को यही कहना चाहता हूँ, आप लोग का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप अपने घर को देखिए, क्योंकि आपको ना कौम को देख सकते हैं ना आप कोई सियासी मैदान में आप कभी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद शहर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर है। हैदराबाद शहर का हर वो नौजवान, हर वो इंसान। आज आज़मपुरा डिवीज़न में डेवलपमेंट के जो वर्क्स हो चुके हैं उसके इनाग्रेशन से जनाब बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्लो लीडर AIMIM और जनाब अहमद बलाला साहब और मलकपेट के तमाम कॉरपोरेटर्स इब्तदाई सदर व मुतमदीन ने मिलकर आज टोटल 10 डेवलपमेंट वर्क्स का इनाग्रेट किया, जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी साहब खुद आए थे, जिसका स्टार्टिंग काम रह गया है कि तनकीद करना, मजलिस के कदम को रोकना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप मीडिया के तमाम को, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसकून माहौल में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कायद की मोहब्बत में
लाखों लोगों ने इसके अंदर जो है ना हज़ारों लोगों ने शिरकत की और इसको कामयाब किया। और मैं आप तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके भी कवरेज से इसको और अच्छी तरीके से इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट फोर्स को आगे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके जाएगी। शुक्रिया। जो भी किए हैं उस पर ऐसे सख्त नोट लें और सख्ती से इसकी कार्रवाई करें।